Respected students, it is class 11th and our today's topic is fundamental rights and directive principles. So it will cover the difference between fundamental rights and directive principles. तो जैसा कि हमें पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कल पढ़ा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लीड ऑन द गाइडलाइंस विच प्रमोट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह से एक प्लेटफार्म बनाता है, एक गाइडलाइन फराहम करता है जिस हिसाब जिसके रू से हम किसी भी आदमी के सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसको प्रमोट करेंगे। तो लेकिन ये जो राइट्स होते हैं दे आर नॉन जस्टिफिएबल, यानी कि इनकी जस्टिफिकेशन नहीं होती है। ए पर्सन कैन नॉट गो टू द कोर्ट इफ दीज राइट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि एक आदमी कोर्ट में जा नहीं सकता है अगर ये राइट्स अगर किसी आदमी को ये प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, वो कोर्ट में फिर नहीं जा सकता है। एंड इट पुट्स देयर यूटिलिटी इन डाउट, यानी कि उसकी जो यूटिलिटी है एक तरह से वो फिर शक के दायरे में आता है। क्योंकि हमारी हमारी कंट्री जो है, हमारा मुल्क इंडिया जो है, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और हर एक पार्टी जो है वो पावर को लूज नहीं करना चाहती है, इसलिए हर एक पार्टी का यही एम होता है कि वो काम करे, दे विल वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी अगर किसी जगह फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी वायलेट हो जाए लेकिन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वो इम्प्लीमेंट करें, तो उस हिसाब से इनकी जो मतलब कई कई इनकी जो मतलब कंट्रोवर्सी दोनों में, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनमें एक किस्म की फिर कंट्रोवर्सी भी होती है। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो अब हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले चूंकि जैसे कि एज पर द डेफिनेशन वी नो कि फंडामेंटल राइट्स जो है दीज आर द राइट्स विच आर एनफोर्सेबल, यानी कि इनको किसी हर हाल में किसी भी सूरत में अप्लाई करना है। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर किसी जगह मतलब इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो एक तरह से दे कैन काज इशू रिट्स टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वो एक तरह से वो ऑर्डर्स निकाल सकते हैं ताकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक हर एक आदमी को मिल सके। सो दीज राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन काज रिट्स टू इशू टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स एज अगेंस्ट दिस। इसके मदे मुकाबले में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है दे आर नॉन एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि इसको फोर्स एक तरह से वो फोर्स नहीं किया जा सकता है इसको इम्प्लीमेंट करने में। ये थी सबसे पहली जो इसकी ये थी ये डिफरेंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स दे आर एनफोर्सेबल एंड नॉन डायरेक्टिव, ये फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है दे आर नॉन एनफोर्सेबल। इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स जो है दीज प्रोवाइड सिविल लिबर्टीज, दे प्रोवाइड सिविल लिबर्टीज, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है दे प्रोवाइड सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि जो भी इंसाफ का तकाजा है ये सोसाइटी में उसको ये प्रमोट इसको ये फराहम करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये इसकी पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है दूसरी। इसके बाद तीसरी जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर लिमिटेशन अपॉन द स्टेट एक्शन एंड आर देयरफॉर नेगेटिव इन नेचर। इसमें कभी कभार ऐसा भी लगता है कि हमें ये लगता है कि इसका नेचर जो है वो एक तरह से नेगेटिव है, मनफी। दे आर लिमिटेशन अपॉन द
सिटी रिएक्शन एंड आर देयरफॉर नेगेटिव इन नेचर, यानी कि मिसाल के तौर पर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे कॉल अपॉन द सिटी टू टेक सम इनिशिएटिव फॉर द पीपल एंड आर पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये स्टेट को किसी न किसी वक्त एक तरह से इनिशिएट करने को कहा, इस स्टेट को इनिशिएट करने को कहा जा रहा है, और इसका जो नेचर जो है वो पॉजिटिव है, हमेशा वो पॉजिटिव ही रहा है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो फिक्स्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और तरीके से, ये तो फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर फिक्स्ड एज अगेंस्ट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, इसका ये जो पावर है वो वाइड है, यानी कि मतलब इसका इसका ये जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये थी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कल भी हमने एक तरह थोड़ा सा मैं आपको एक और भी इसका रिवाइज करूँगा, क्योंकि कल भी हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को थोड़ा ये बताया आपको, और क्या बताया मैंने कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है दे ली डाउन गाइडलाइंस विच प्रमोट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, और बट दीज राइट्स आर नॉट नॉट जस्टिफेबल। हाँ, और एक पर्सन जो है वो कोर्ट में जा नहीं सकता है, ए पर्सन कैन नॉट गो टू द कोर्ट अगर इस मतलब ये राइट्स अगर किसी को ना मिले तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। सो इसकी यूटिलिटी जो है ये डाउट में पड़ सकती है। और इसके बाद मैंने आपको ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मुतल कहा। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा फंडामेंटल राइट जो है दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स एज अगेंस्ट दिस, इसके मुकाबले जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है दे आर नॉन एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। और फंडामेंटल राइट्स जो है दे प्रोवाइड सिविल लिबर्टीज, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसके कंपेरिजन में जो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे दे प्रोवाइड सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर लिमिटेशन अपॉन द स्टेट एक्शन एंड आर देयर फॉर नेगेटिव इन नेचर, लेकिन ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर पॉजिटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर फिक्स्ड एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है दे आर पावर इज वाइडर। सो दीज वाई द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो इसके आगे तो हम नेक्स्ट लेसन में कवर अप करेंगे। ओके, सी यू।